हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले कोरिलेशन, और ये कोरिलेशन को कैलकुलेटर में कैसे ऑपरेट करना है वो सीखना है। दिस टॉपिक इज़ बेसिकली इन मुंबई यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग सेम 3 एंड सेम 4। कुछ ब्रांच को सेम 3 में होता है, कुछ ब्रांच को सेम 4 में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन में छोड़ देते, बोलते कैलकुलेशन बहुत करना है, पर मैं तो बोलता हूँ ये चैप्टर को आपको करना ही चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल इन कैलकुलेटर। सिर्फ आपको दिखाने के लिए कैलकुलेशंस करने हैं, बाकी सब काम कैलकुलेटर संभाल सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कोरिलेशन का। कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एक्स और वाई दिया है। अब ये कोरिलेशन फाइंड करने के लिए, कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए इतना बड़ा ये फॉर्मूला है। सिर्फ आपको देखना है, लिखना है, सिर्फ कैलकुलेट सब कैलकुलेटर ही करने वाला है। तो स्टार्ट करते कैलकुलेटर में कैसे ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले मोड बटन प्रेस करो। इसमें स्टैटिक करके ऑप्शन है, विच इज़ 3। तो 3 में जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए आपको सेकंड में जाना है, विच इज़ ए प्लस बी एक्स टाइप में। तो ये 2 प्रेस किया। जैसे ही 2 प्रेस किया, हमारे पास एक्स और वाई का कॉलम आ गया। तो उसमें ये एक्स और वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहला वैल्यू है 23, तो आई विल राइट 23 इक्वल टू, देन 27, देन 28, देन 29, 30, 31, 33, 35, 36 एंड 39। ये मेरे डेटाज एंटर कर लिए एक्स के। वाई के एंटर करने के लिए मैं पहले राइट साइड प्रेस किया, तो ये साइड कर्सर चला गया, और नीचे प्रेस करा तो ऊपर चला गया। अब y का वैल्यू 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 एंड 32, ये वैल्यूज डाल दिए मैंने। इसको बोलते हैं डेटा एंट्री। डेटा एंट्री हो गया। इसके बाद आपको AC बटन प्रेस करना है ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। अब वन बटन के ऊपर स्टैट लिखा हुआ है, तो आपको शिफ्ट और वन प्रेस करना है ताकि बहुत सारे ऑप्शंस आ जाए। अब स्कूल में मीन वैल्यू सिखाते हैं कि मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मीन वैल्यू भी ये कैलकुलेट कर सकता है। तो मीन वैल्यू तो बाद में सोचेंगे, पहले तो आर का वैल्यू कैसे निकालना है। तो रिग्रेशन में जाएंगे 5, और वहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन दिखेगा R। तो 3 प्रेस किया R और इक्वल टू प्रेस कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू आ गया। दिस इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आंसर सीधा मिल गया आपको R। अच्छा, और कुछ ढूंढना है तो ये AC बटन प्रेस कर लिया, शिफ्ट बटन, वन बटन। इसमें आप 4 नंबर में जाओगे तो आपको ये भी ऑप्शंस दिखेंगे। वहाँ पे एक्स बार और वाई बार रिप्रेजेंट मीन ऑफ एक्स एंड वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई को कैसे यूज़ करना है हम लोग को। फिलहाल अगर मीन वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए तो मैंने 2 प्रेस किया और इक्वल प्रेस किया, तो 31.1 इज़ अ मीन वैल्यू ऑफ एक्स। मीन वैल्यू ऑफ वाई चाहिए तो शिफ्ट और 1 प्रेस किया, वेरियंस में गए, और वाई बार इज़ इन 5, तो 5 नंबर प्रेस किया, तो इट इज़ 23 इज़ अ मीन वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ से x बार और y बार भी मिल सकता है हम लोगों को। तो ये एक सिंपल आइडिया है कोरिलेशन ढूंढने का। आपको सिर्फ कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है, बाकी कैलकुलेटर सब काम कर सकता है। यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेटर यूज़ किया है FX991ES+। आजकल नया कैलकुलेटर निकला है FX991EX, उसमें ये काम कैसे करते हैं वो देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।